हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, हमारे चैनल पर डेली आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड छोटी छोटी बड़ी से बड़ी पोस्ट का नोटिफिकेशन डेली प्रोवाइड किया जाता है। अगर मेरा भाई और बहन कोई भी हरियाणा से बिलोंग करता है, अगर उसको हरियाणा जुड़ी हर अपडेट टाइम टू टाइम चाहिए, तो आप हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मेरे भाई और बहन कोई भी हरियाणा में अगर डीसीरेट जॉब पर लगना चाहता है, डीसीरेट जॉब में किस टाइप से लगा जाता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, अगर किसी भी भाई और बहन को डीसीरेट जॉब चाहिए, तो आप हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मेरे भाई और बहन आपको डेली डीसीरेट जॉब्स के सभी अपडेट यहां पर रेगुलर देखने को मिलते रहेंगे। पूरे हरियाणा से आप कहीं से भी, कोई भी जिले से, कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप अगर डीसीरेट जॉब पर लगना चाहते हैं, हरियाणा का एकमात्र ऐसा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है डीसीरेट जॉब्स के रिगार्डिंग। पूरे हरियाणा में किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर एक पोस्ट भी आती है डीसीरेट जॉब्स की, वो भी आपको यहां पर रेगुलर देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात है, आपको डीसीरेट जॉब पर लगना है तो आपको थोड़ा सा अपडेट होना पड़ेगा। आपके जिले, आपके शहर, आपके गांव के अंदर जितने भी डीसीरेट जॉब्स आती रहती है, उन सभी की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से विभाग में डीसीरेट जॉब आ रही है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और आपको डीसीरेट जॉब किस टाइप से मिल सकती है। आपके दिमाग में मेरे भाई और बहन एक फितूर होता है कि डीसीरेट जॉब से या तो आपको पैसे में मिल सकती है, आपको डीसीरेट जॉब वो कैंडिडेट लगवा सकता है जो पहले से डीसीरेट जॉब पर लगा रहता है। ऐसा मेरे भाई और बहन बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता। अपना पैसा वेस्ट करना है, अपना टाइम वेस्ट करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि आज के दिन हजारों की संख्या में बच्चे हमारे चैनल पर डीसीरेट जॉब पर सिलेक्टेड है। अगर आपको भी डीसीरेट जॉब चाहिए तो एक महीने के अंदर अंदर आपको डीसीरेट जॉब मिल सकती है पूरे हरियाणा में से, आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं पूरे हरियाणा में। डीसीरेट जॉब मेरे भाई और मेरिट बेस पर, इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन मिलती है, उसमें कोई भी पेपर वगैरह कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगर आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसमें आपकी मर्जी है। अगर आपको डीसीरेट जॉब पर लगना है तो बिल्कुल आसानी से मिल सकती है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, एक भी पैसा कहीं पे करने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई और बहन, जो रियल चीजें होती है, वो सारी चीजें मैं आपके बीच में बताता हूं, चाहे अच्छी लगो चाहे बुरी लगो, क्योंकि आपका छोटा भाई इसी प्रकार से न्यू अपडेट्स डेली अपने चैनल पर प्रोवाइड करता रहता है। हरियाणा का एकमात्र ऐसा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जहां पर डीसीरेट जॉब्स के आपको सारे अपडेट रेगुलर देखने को मिलते रहेंगे। अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक प्रोवाइड कर रखा है, वहां पर हमारे ओल्ड स्टूडेंट भी ऐड है, वहां पर आप भी ऐड हो सकते हो। एक तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको 24 घंटे न्यू अपडेट देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज, आपको फॉर्म भरते टाइम किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, कोई लिंक नहीं मिल रहा, कोई साइड प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप बेझिझक होकर आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करें। किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी टाइप की कोई भी हेल्प की जरूरत है किसी भी भाई और बहन को पूरे हरियाणा के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर, तो मेरे भाई और बहन बेझिझक होकर आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करें। आपका छोटा भाई 24 घंटे आपकी सपोर्ट में खड़ा, और किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी समझ में नहीं आता, तो आपका छोटा भाई 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करेगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन आपको बेझिझक होकर बताया जाएगा। तो मेरे भाई और बहन, आज की वीडियो के रहने वाले एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिस आ चुका आप सभी के बीच में, हरियाणा डीसीरेट जॉब का एम्बुलेंस ड्राइवर की भर्ती को लेकर, जिसके अंदर 614 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। अभी अभी क्या नोटिस आया, ये भर्ती कब होगी, किस टाइप से होगी और कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल वाइज बताऊंगा एम्बुलेंस ड्राइवर की भर्ती को लेकर। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए पूरी वीडियो देखने के बाद, किसी भी प्रकार का कोई भी सस्पेंस हो, डाउट हो, तो मेरे भाई और बहन बिल्कुल भी दिमाग में टेंशन नहीं रखनी है, उसी टाइम आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करना, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो आप हमें भेज सकोगे, हम आपको बताएंगे। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका छोटा भाई छोटा जो ग्राउंड में आ चुका है, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन रेगुलर मिलता रहेगा। तो अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूं, पूरा डिटेल वाइज बता देता हूं, आप वीडियो पर बने रहे। ओके गाइज, सभी मेरे भाई और बहन को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा कि एम्बुलेंस ड्राइवर के अंदर आपकी एज क्या होनी चाहिए। 18 से लेकर 42 साल तक के जो भी मेरे भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी इसके लिए एलिजिबल हैं, सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनको ज्यादा जानकारी लेनी है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप खुद भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई और बहन सारी चीजें आपको यहां पर रियल जानकारी, स्टिक जानकारी और 100% रियल जानकारी आपको रेगुलर देखने को मिलती है। कोई भी नोटिस किसी भी टाइप का हो तो आपको रेगुलर यहां पर देखने को मिलता रहता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डालता हूं और आप वहां पर खुद भी चेक कर सकते हैं, कोई भी किसी भी टाइप का फेक नोटिस नहीं होता, जो भी चीजें होती है यहां पर रियल जानकारी, स्टिक जानकारी और सबके। मेरे भाई और बहन, कोई भी यूट्यूबर इतनी टेंशन नहीं लेता होगा, मैंने आपके साथ शेयर कर रखा अपना टेलीग्राम ग्रुप और ऊपर से यही बोल रहा हूं, आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करके कुछ भी आपकी प्रॉब्लम हो पूछ भी सकते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। हरियाणा का एकमात्र ऐसा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जहां पर आप कुछ टाइम में, आपको हमारा टोल फ्री नंबर भी लॉन्च होने वाला है, अब आपको थोड़े टाइम में हम टोल फ्री नंबर भी बताएंगे, अपडेट करेंगे, उस पर आप कॉल करके भी पूछ पाएंगे कि सर मैं इस जिले से, इस गांव से बिलोंग करता हूं, यहां पर डीसीरेट जॉब आ रखी है, नहीं, आपको पूरी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। मेरे भाई और बहन, इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है मैंने पहले बता दी, 614 पोस्टों पर ये भर्ती होने वाली है।
ये सारी चीजें आपको साफ साफ पूरा पता भी होगा पहले से भी, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं बता दूं, एक बार आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि डिस्ट्रिक्ट अंबाला के अंदर 21 पोस्टों पर ये भर्ती होने वाली है, भिवानी के अंदर 27 पोस्टों पर भर्ती होने, ये 27 प्लस है क्योंकि दो चार पोस्टें ऊपर होंगी इसमें, 27 है तो मान के चलो ये 30 से ऊपर ऊपर ये पोस्टें भर्ती करवाई जाएंगी भिवानी में। चरखी दादरी में 9 प्लस दे रखी है, फरीदाबाद में 18 प्लस है, फतेहाबाद में 21 प्लस पोस्टों पर ये भर्ती होने वाली है। ये अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज आप सभी मेरे भाई और बहन नोट कर रहे ना कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी अब आपको मिलने वाली है। फतेहाबाद की मैंने बता दी 21 प्लस पोस्टों पर भर्ती होगी, गुरुग्राम में 21 प्लस पोस्टों पर भर्ती होगी, एम्बुलेंस ड्राइवर की भर्ती की जाएगी, हिसार के अंदर 33 प्लस पोस्टों पर भर्ती होगी, जज्जर के अंदर 27 प्लस पोस्टों पर होगी, जींद के अंदर 32 प्लस पर होगी, ये 32 प्लस है मान के चलो 40 के लगभग तो ये पोस्टें जा सकती है, कैथल के अंदर भी 27 प्लस है, करनाल के अंदर भी 21 प्लस पोस्टें हैं, कुरुक्षेत्र में 21 हैं, महेंद्रगढ़ के अंदर 33 प्लस पोस्टों पर ये भर्ती होगी, नू के अंदर भी 33 प्लस पोस्टों पर भर्ती होगी। अगर मेरा भाई और बहन महेंद्रगढ़ नू से बिलोंग करता है, पलवल से बिलोंग करता है, इन सभी में 33 प्लस पोस्टों पर भर्ती होने वाली है एम्बुलेंस ड्राइवर की भर्ती, और पंचकुला के अंदर 24 प्लस पोस्टों पर, पानीपत के अंदर 24 हैं, रेवाड़ी के अंदर भी 24 प्लस पोस्टों पर ये भर्ती होगी, पदों पर भर्ती होगी, रोहतक के अंदर भी 24 प्लस पदों पर ये भर्ती होने वाली है। इसके आगे सिरसा के अंदर 39 पोस्टों पर भर्ती होगी, सोनीपत के अंदर 33 पर होगी, यमुनानगर के अंदर 27 प्लस पोस्टों पर भर्ती होगी, सबसे ज्यादा इसमें है सिरसा के अंदर। सिरसा से मेरा भाई और बहन कोई भी बिलोंग करता है अगर उसको एम्बुलेंस ड्राइवर के अंदर लगना है तो ये पूरा नोटिस देखना, इसमें मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि ये फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होगी, और पूरी जानकारी पाने के लिए आप वीडियो पर बने रहे, और हरियाणा से जुड़ी हर जानकारी डीसीरेट जॉब्स की तो खासकर जानकारी आपको रेगुलर यहां पर देखने को मिलती रहेगी। अगर आप डीसीरेट जॉब पर लगना चाहते हैं तो अभी की अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि आपके जिले, आपके शहर, आपके गांव के अंदर जो भी न्यू अपडेट आएंगे आपको रेगुलर यहां पर देखने को मिलते रहेंगे। ओके गाइज, इसके आगे मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, पहली बात तो 10वीं पास होना चाहिए और हिंदी संस्कृत एक सब्जेक्ट उसके पास अनिवार्य होना चाहिए, और इसके अंदर आपको ड्राइविंग लाइसेंस मांग रखा है और 3 साल पुराना होना चाहिए। ये ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा होना चाहिए, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस मांग रखा है इन्होंने, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को चेक किया था, जिसके अंदर आपको 3 साल पुराना जिसका भी हैवी ड्राइविंग लाइसेंस वो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी चीज, ये फॉर्म कब अप्लाई होगा मेरे भाई और बहन, ये थोड़ी सी जानकारी मिली है, मैंने सोचा कि मैं आप सभी के साथ बीच में शेयर करूं, आपको बढ़िया जानकारी लगे, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस लगे, तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यह जानकारी मैं आप सभी के बीच में इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि आपको अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा बहुत जल्द। यह आपकी जो भर्ती है जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने वाली है मेरे भाई और बहन, हमें पता चला है जुलाई के फर्स्ट वीक में भर्ती दोबारा से स्टार्ट होने वाली है, यह फॉरम आपके स्टार्ट होने वाले हैं जुलाई के फर्स्ट वीक में। अगर अभी तक भी मेरे भाई और बहन जिसने भी हैवी ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाया, मेरे कहने का मतलब है इस मंथ के अंदर काफी मेरे भाई और बहन ऐसे हैं जिनका हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है वो रिन्यू डेट पर आ चुका है, अगर अपना रिन्यू डेट उन्होंने नहीं करवाई है तो प्लीज आप जल्द से जल्द अपना रिन्यू करवाएं, क्योंकि जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको बहुत जल्द ये भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर आप ये भर्ती पर फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा अपना लाइसेंस, जिस भी मेरे भाई और बहन का रिन्यू डेट आ रखी है तो उन सभी को रिन्यू करवाना पड़ेगा, बहुत जल्द आपको ये भर्ती रेगुलर देखने को मिलेगी जुलाई के फर्स्ट वीक में। पूरी पूरी संभावना बताई जा रही है कि इस भर्ती को दोबारा से आप रेगुलर कर पाएंगे। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट साथ में आपके डोमोसाइल और प्लस में आपका जो लाइसेंस है हैवी ड्राइविंग लाइसेंस तो 3 साल पुराना होना चाहिए वो रिन्यू करवा लें सभी, और मेरे भाई और बहन जिसका भी रिन्यू आ रखा इस मंथ में, मुझे पता है कि इस कौन से मंथ में सबसे ज्यादा है, जो जून का मंथ होता है इसमें सबसे ज्यादा लाइसेंस बने जाते हैं मेरे भाई और बहन, ये नोट करना आप सभी चीजें, क्योंकि जून के मंथ में सबसे ज्यादा हैवी ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू होते हैं और बनाए भी जाते हैं। तो मेरे भाई और बहन आप सभी को मैं सूचित कर देता हूं कि जून में जिस भी मेरे भाई और बहन का रिन्यू डेट आ रखी है वो सभी अपना रिन्यू करवाएं, और साथ में जुलाई के फर्स्ट वीक में आपके ये फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट होने वाली है। सभी चीजें आपको यहां पर रेगुलर देखने को मिलेंगी मेरे भाई और बहन। अगर आपको डीसीरेट जॉब पर लगना है तो बिल्कुल आसानी से लग सकते हैं, आपको किसी भी टाइप के कोई भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं, साथ में हरियाणा के अंदर जैसे डीसीरेट जॉब पर लगा जाता है बिना पेपर आपको जॉब मिल जाती है। पिछली 1-2 साल से आपको पता हरियाणा सरकार ने कोई भी परमानेंट जॉब्स नहीं निकाली, सरकारी जॉब्स नहीं निकाली, उसको चलते हुए हर डिपार्टमेंट के अंदर डीसीरेट जॉब्स के तहत भर्ती की जाती है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय की जरूरत होती है, उसको लेकर हर डिपार्टमेंट में डीसीरेट जॉब्स के तहत एम्प्लॉय की भर्ती होती है। तो मेरे भाई और बहन अगर कोई भी डीसीरेट जॉब्स के तहत हरियाणा गवर्नमेंट में लगना चाहता है, हरियाणा गवर्नमेंट सरकार के अंडर लगना चाहता है, जॉब करना चाहता है, तो बिल्कुल आसानी से लग सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें देखने को मिलेंगी, उसको कोई भी पेपर वगैरह कुछ भी नहीं देना होता है, ओनली मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होते हैं, इसलिए आपको भी जॉब
जॉब मिल जाए। अगर कोई भी मेरा भाई और बहन अपनी इच्छा अनुसार दिल्ली के अंदर भी जॉब करना चाहता है, दिल्ली के अंदर भी बिना पेपर मेरिट बेस पर इतने अच्छे अच्छे पोस्टों पर भर्ती होती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हुआ, जल विभाग हुआ, बिजली विभाग हुआ, बहुत ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट है डिसीरेट जॉब्स की तरह ही दिल्ली के अंदर भी मेरिट बेस पर और इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन होते हैं, वहां पर भी आप अपनी जॉब कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। वहां के भी हम नोटिफिकेशन जो भी आते हैं पूरी दिल्ली के आपको रेगुलर यहां पर देखने को मिलते रहते हैं। साथ में हरियाणा के तो एक भी अपडेट आपका छूटने वाला नहीं डिसीरेट जॉब्स के रिगार्डिंग। पूरे हरियाणा से आप किसी भी जिले से किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, आपको जो भी न्यू अपडेट आएगा आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि डिसीरेट जॉब्स के लिए आपको आपके जिले की पूरी जानकारी होनी चाहिए, कौन सी विभाग में डिसीरेट जॉब आ रखी है, टोटल वैकेंसी कितनी है। इस टाइप की अगर आपको जानकारी होगी तभी आपको मेरे भाई और बहन एक मंथ में ओनली आपको डिसीरेट जॉब जरूर से जरूर देखने को मिलेगी। तो आपके छोटे भाई की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।